अरे शैंडेलियर भी है इसको देखो। ओह माय गॉड, लेके जा रहे हैं शाहरुख खान के घर पे। लूसी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही है। सब पागल सर जबरा फैन। यही वो जगह है जहां पर शाहरुख खान का घर है। हेलो, आप देख रहे हैं नईम इन लंदन। मैं हूं नईम कौशल और मैं हूं लूसी कौशल। आज के वीडियो में थोड़ा सा फिल्मी, क्योंकि कभी कभी मैं थोड़ा फिल्मी भी हो जाता हूं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें एक मेरा डायलॉग था, नईम कौशल नाम तो सुना होगा। हमारे कुछ व्यूअर ने उसको नोटिस भी किया था, मुझे पर्सनल कमेंट भी किया और एक दो लोगों ने वीडियो पर भी कमेंट किया था। आज हम उसी नईम कौशल नाम तो सुना होगा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपको हम लेके जा रहे हैं शाहरुख खान के घर पे। हम कौन जा रहे हैं? अरे नहीं यार, लंदन में शाहरुख खान का घर, पर हमें इनवाइट नहीं किया, डोंट वरी, हम अंदर नहीं जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शाहरुख खान का घर जो कि लंदन में है। आपने देखा है? कभी नहीं देखी। लंदन वाला? नहीं, लंदन वाला आज हमको दिखाएंगे। तो हम लोग चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि शाहरुख खान का घर कहाँ पे है और कैसा है, दिखता कैसा है, वहाँ का एरिया लोकलिटी कैसा है, पॉश एरिया है या ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक होगी। ठीक ठाक होगी। देखते हैं, हम लोग चलते हैं सीधे और विजिट करते हैं शाहरुख खान के घर को बाहर से, अंदर से नहीं। तो हम लोग आ चुके हैं अभी मार्बल आर्च, और यही वो जगह है जहां पर शाहरुख खान का घर है। और जो रोड है, जिस लेन पे शाहरुख खान का घर है, उसका नाम है पार्क लेन। लेकिन पार्क लेन बेसिकली मार्बल आर्च जो चौक है, जंक्शन, वहीं पे है। तो हम लोग आ चुके हैं मार्बल आर्च, और ये सामने देखिए ये बन रहा है मार्बल आर्च माउंट। ये काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए। और इसके ठीक सामने ये है हाइड पार्क, और हम लोग हैं एक पार्क में, ये भी पता नहीं कौन सा पार्क है, आप पार्क ये भी एक पार्क है। तो हम लोग चलते हैं, ये सामने वाला जो स्ट्रीट है ये दिख रहा है, यही है वो पार्क लेन। अगर आप मार्बल आर्च आ गए, इसका मतलब है कि आप शाहरुख खान के घर पे आ गए हैं। 500 मीटर हार्डली होगा। तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्क है, और यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत सा मेमोरियल बना हुआ है, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो हम जरा पहले इस मेमोरियल को देखते हैं। हाँ, लेकिन ये नॉर्मल मेमोरियल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा यूनिक है। तो जितने भी एनिमल्स और जानवर्स, पेट जो थे, उन लोगों की शहादत, वो जो जितने भी मरे हैं उनकी याद में ये बनाया गया है। जो कुछ लिखे हुए हैं उस पत्थर पे, अच्छा, बहुत सारे जानवर काम कर रही थी ब्रिटिश और ब्रिटिश की लाइक अलाइड फोर्सेस में, लाइक बहुत सारी वॉर्स में, और वो सब मर गए, लाइक पिजन से लेकर हाथी तक। की बात बताऊं, ये ऑन द स्पॉट लिटरल आप देख रहे होंगे, डॉग के सामने दिख रहा है ना वो टेक्स्ट, उसका ऑन द स्पॉट ट्रांसलेशन हो रहा था। तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन इतना अच्छा ट्रांसलेशन तो मैं भी नहीं कर सकता था भाई। तो यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं शाहरुख खान के घर की तरफ। तो यहाँ आने के बाद मालूम चला कि शाहरुख खान ने जितने भी मकान चूज किए हैं ना, बड़ा सोच समझ के, लोकेशन के हिसाब से। पीछे हाइड पार्क, उसके बाद से एक और पार्क जिसमें इतना अच्छा मेमोरियल बना हुआ है, और
उसके ठीक सामने ये देखिए, ओए देखो देखो लूसी, ओ देखो शाहरुख खान को देखने आए हैं भाई, और गेट भी खुला हुआ है। देखिए वो हमारे दो इंडियन भाई जा रहे हैं, और ये है सामने शाहरुख खान का मकान। तो बेसिकली ये पूरा एरिया काफ़ी पॉश है, महंगा है, तो सामने नाइट्स ब्रिज, हैरट्स, इधर सेल्फ्रिजेस और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट शॉपिंग जोन। कभी मन कर गया शॉपिंग करने का तो नीचे उतरे और चले गए भाई पीछे। तो ये सामने आप देख लीजिए, ये शाहरुख खान का मकान है, और गेट भी खुला हुआ है। लूसी अगर ये इंडिया में होते ना, क्या? Oh my God. सब पाउडर से जबरा फैन अंदर, ऐसे से दिखता है, क्या है इसके अंदर, मैं देख लूं। और देखिए वो मोहतरमा आ गई, वो भी मेरा फोटो खींच रही है मोबाइल से, ये कौन लड़का है जो वीडियो बना रहा है, खींच रहा है फोटो। हाँ अभी मैं भी फोटो खींचा और नहीं खींचा, पर वो ऐसे मोबाइल ऐसे किया था फेस पे, शाहरुख खान का हमशक्ल डुप्लीकेट। हाँ तो हो सकता है वो मेरा फोटो लेके शाहरुख को भेजे हुए, तुम्हारा डुप्लीकेट यहाँ पे आया हुआ है। ये जो मकान है, जो फिल्म और इंटरटेनमेंट के सोर्स की बात करें तो इसकी जो कीमत है कुछ 127 करोड़ रुपये, लेकिन मुझे लगता है कि आज के टाइम में अगर हम इसका वैल्यू निकालें, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक रूम का अगर हम कमरा लें तो कम से कम अगर आपको कोई बढ़िया डील मिल गया तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा कम से कम एक रूम। ये 7 फ्लोर का पूरा मकान है, मुझे मालूम नहीं है इसके बेसमेंट में कितने हैं, लेकिन एक बेसमेंट मैंने काउंट किया है, अभी के टाइम में क्या प्राइस होगा आई डोंट नो। तो शाहरुख खान के जो बेटे हैं और जो बेटी है, जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो ऐसा मानते हैं कि वो जब यहाँ पढ़ाई कर रहे थे तो वो यहीं ठहरते थे। अब जब यहाँ आए हैं तो एक दो फोटो तो बनता ही है, तो पहले यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं, फिर उसके बाद से चलते हैं ज़रा सा घर के पास, दीवार के पास खड़े होकर फ़ोटो ले लेते हैं। जा रहे हैं सामने शाहरुख खान का ये मकान है, उसकी बाउंड्री दिख रही है वुड म्यूज, और हम लोग इस तरफ थे, ये सामने आप देख रहे हैं पार्क। लूसी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही है, मैं सोच रही थी कि हम चोर हैं और हम की घर देख रहे हैं लाइक चुराने, ये हमारा घर नहीं है, शाहरुख खान का घर है, इसको मालूम है, वो सोचेंगे कि ये रोज आते हैं ऐसे हजारों। अरे भाई हम सिर्फ फोटो ले रहे हैं यार, पुलिस भी पीछे पड़ गई। यहाँ से निकल के हम लोग जरा सा पीछे जा रहे हैं, और पीछे दुनिया भर का काम चल रहा है। ओ यस, पूरा रेसिडेंशियल है, ऑल रेसिडेंशियल। नहीं लंदन के लंदन के हिसाब से बड़ा है, और शैंडलियर भी है इसका, देखो ओह माय गॉड, यू कैन सी द शैंडलियर इनसाइड, इट्स ह्यूज। तो ये इनके घर के पीछे का पूरा एरिया है, या अपस्टेयर ऑल फ्लैट, बॉटम ग्राउंड फ्लोर इज मोस्टली ऑफिसेस, या लाइक एस्टन मार्टिन, या ऑल बिग ब्रांड, Big brand car. यहाँ पर आप देख रहे हो कार, देखिए कौन कौन से कार्स लगे, BMW, एक और BMW, और पीछे भी बहुत सारे कार्स लगे हैं, Porsche है। इसके पीछे देखिए यार क्या खूबसूरत लग रहा है, जैसे वो चले हम लोग। आई थिंक आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है, और
लंदन के एक्सप्लोर करने का जो हमारा तरीका है उसमें थोड़ा सा इंडियन टच भी होना चाहिए, थोड़ा सा फिल्मी भी होना चाहिए, क्यों नहीं? जो रिकॉर्डिंग में है ऑलरेडी है, तो ये आप देख रहे होंगे सामने पार्क लेन W1, ये आता है सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्टर के अंदर, और ये रहा सामने मार्बल आर्च, शाहरुख खान का घर पीछे छूट चुका है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपने वीडियो पसंद किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बटन दबाएं, घंटी का बटन, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम डाल रहे हैं, हर बार नया वीडियो आता है और हर बार नया होता है वीडियो के अंदर में, तो आप इस वीडियो को मिस ना करें और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, और जरूर लाइक कीजिए क्योंकि अभी हम शाहरुख खान की घर की वॉच लिस्ट पर हैं।